The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। सो एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत सारी नई खबरें आ रही हैं जिसके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक सवाल हमें जो बार बार आ रहा है वो है टोज का। जी हाँ, कोविड टोज, कोरोना वायरस के स्किन पे सिम्टम्स का, वो क्या है और वाई, क्यों आप इनके बारे में सुन रहे हैं, क्या ये एक्चुअली में देखने को मिल रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज बात करेंगे कोविड टोज के बारे में। अगर आप ऑनलाइन भी देखोगे तो बहुत सारी उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे, खासकर न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में खबर मिलेगी, लेकिन एज़ यूजुअल आपको हमेशा न्यूज़ के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको देखना है तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे इसको देखना चाहिए, या फिर आप देख सकते हैं किसी किसी रिलायबल वेबसाइट, CDC, WHO, MOH, या फिर किसी प्रॉपर हॉस्पिटल की वेबसाइट्स पे, क्योंकि कंफर्म करने के बाद ही न्यूज़ देनी चाहिए, राइट? सो पैंडेमिक शुरू जब से हुआ है तब से कोई ना कोई ऐसी चीज़ की खबर आती रहती है कि अरे बापरे ये क्या, अरे बापरे वो क्या, अरे नया सिम्टम, अरे नया वो, राइट? अभी खबरें, कुछ खबरें बच्चों के लिए भी आ रही हैं, बच्चों के पेट खराब होने वाला जो सिम्टम्स है, डायरिया है, वो भी एक तरीके से एक नया स्ट्रेन, कोविड 19 कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी, बल्कि 30 स्ट्रेन आ चुके हैं। तो बहुत से सिम्टम्स, बहुत से खबरें आ रही हैं और कई सारे सिम्टम्स को जोड़ा जा रहा है कोरोना वायरस से। अब ये नहीं पता है कि कितने एक्चुअली कोरोना वायरस कर रहा है, कितने उसके साथ में जॉइंट सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं इम्यूनिटी सप्रेशन के वजह से। सो वो चीज़ समय के साथ क्लियर होती जाएगी, लेकिन अब आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है कि आप भाई साहब, आपको हर नई खबर से थोड़ा सा घबराहट, थोड़ा सा डर लग सकता है, पर हर नई खबर डराने वाली नहीं होती है, राइट? सो हमने कभी ऐसी नई चीज़ नहीं देखी थी जो इतनी ज़्यादा मात्रा में फैले आपने हमने कोरोना वायरस के बारे में। सो डोंट वरी। सो फियर, फ्रस्ट्रेशन, अनसर्टिनिटी बहुत है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है और बहुत ज़्यादा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर कोई माइनर छोटा मोटा सिम्टम आता भी है नया, तो वो मेजर सिम्टम है या माइनर सिम्टम है, ये आपको समझना होगा। तो याद रखिए, एक होता है मेजर सिम्टम, कॉमन सिम्टम, जैसे कि है फीवर, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। 90% केसेस में फीवर आता है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर परसेंटेज वाइज वाला वीडियो बनाया है। 30-40% केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, 20-30% केसेस में, 30-40 केसेस में ड्राई कफ, 20-30 केसेस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है, सोर थ्रोट हो सकता है, कमजोरी आ सकती है, डायरिया हो सकता है, बॉडी रैशेज हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। लेकिन क्या रैशेज अपने आप में अकेले आना किसी भी एंगल से कोविड हो सकता है? जी नहीं, राइट? सो जो रैशेज अगर आपको कहीं भी बॉडी में दिख रहे हैं, किसी भी प्रकार का रैश है, सूजन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड हो जाएगा। अननेसेसरी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। किसी की अगर मेजर बीमारी हो रही है तो रेस्पिरेटरी, यानी सांस की नली में हो रही है, वहां नहीं है तो बीमारी नहीं है, इतना आपको इंपॉर्टेंट रखना है, राइट? तो अगर आपको ड्राई कफ है, फीवर है, फीलिंग टायर्ड, देन इट माइट बी कोरोना वायरस। कोविड टोज और रैशेस कई बार कोरोना वायरस के साथ एसोसिएट किए गए हैं, नो डाउट, लेकिन ये अभी एक मेजर सिम्टम नहीं है, ये कन्फर्म्ड सिम्टम नहीं है, ये 100% पेशेंट्स में नहीं है, तो फिर टेंशन किस बात का, राइट? दीज सिम्टम्स आर नॉट, ये जारे सिम्टम जो है ना, ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स में कॉमन है एज कंपेयर टू अदर वायरसेस, यानी और सारे वायरसेस में भी कोविड-19 ये जो कोविड टोज है ऐसे हो सकते हैं। बट एट दिस टाइम क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग कोरोना की बातें कर रहे हैं, इसलिए आप इसके बारे में सुन रहे हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स के बारे में ध्यान रखना है, बाकी सारे छोटे मोटे सिम्टम्स आते रहेंगे, हर एक के बारे में हमें डरना नहीं है। न्यू सिम्टम्स आते रहेंगे और दिखते रहेंगे, ये बात याद रखिए। और इट इज़ वेरी कॉमन कि कुछ पेशेंट्स होंगे जो इन्फेक्शंस, वायरल रेस्पिरेटरी बीमारियों को बैटल कर रहे हैं, उनकी बॉडी में कभी
क्लॉट्स बन सकते हैं, कभी रैशेस बन सकते हैं, और इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन कि भाई उनको शरीर में कहीं पे ब्लॉची एरियाज आ जाए, कहीं पे रैश आ जाए। ये सारा चीज आपके मीजल्स में भी होता था, रैशेज होते थे, मीजल्स तो आपको पता ही है, सारा स्किन रैश होते थे, और यही सारी चीज बहुत सारे वायरसेस में भी होते हैं, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। और ये भी क्लियर नहीं है 100% कि ये एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ कोरोना से ही हो रहा है, बट कोरोना के पेशेंट्स में पाया जा रहा है, तो एसोसिएट किया जा रहा है। सो यू डोंट हैव टू वरी, राइट? और इस केस में यहाँ पर ये कोविड टोज जो है वो आपके सोल्स में, नीचे पैरों में पैटर्न देखा गया है, कुछ रेड लेजन्स, लाल रंग के लेजन्स टिपिकली ऑन द सोल, पॉसिबली एक स्किन रिएक्शन हो सकता है छोटे मोटे क्लॉट का, माइक्रो क्लॉट्स का ब्लड वेसल के अंदर। अभी इस पीस पे भी हम 100% श्योरिटी नहीं है कि वहां क्लॉट ही है, माइट बी जस्ट एन इन्फ्लामेशन। और इवन जो पेशेंट्स हैं सेप्सिस में, कई पेशेंट्स लाइफ सपोर्ट्स में, कई पेशेंट्स होते हैं, तो जब भी पेशेंट सेप्सिस में जाता है उनकी बॉडी के अंदर कोएगुलेबिलिटी बढ़ जाती है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट हो जाता है, तो ऐसे में छोटे मोटे क्लॉट्स होना बहुत कॉमन है, और दैट कैन लीड टू ब्लॉकेज ऑफ दिस वेसल्स, और वहां पे डिस्कलरेशन आराम से हो सकता है, राइट? सो कोविड-19 हो या किसी और कारण से भी सेप्सिस हो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो, दैट कैन कॉज दिस काइंड ऑफ अ सिम्पटम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एग्जैक्ट कोरिलेशन नहीं है, मेजर चीज नहीं है ये। अगेन कोविड टोज जैसे रैशेज हैं बहुत अनकॉमन है इवन कोरोना वायरस के केसेस में, लेकिन एसोसिएटेड कुछ दिख रहा है इसलिए लोग न्यूज बना रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कोरोना वायरस है, डेंजरस है, लेकिन न्यूज जो बताती है ओवर एग्जैजरेट करके बताती है, हर बात जो न्यूज में आती है वो सच नहीं होती, और उनको तो सिर्फ एक बाइट चाहिए कि ये भी इसको डरा के बता दो, वो भी डरा के बता दो, अगर आपको रैश है तो आप डर जाओ, आप डरो मत। इफ यू नोटिस अ रैश या कोविड टोज जैसे सिम्टम्स, प्लस अगर आपको कोई और सिम्टम है, तब हम सोच सकते हैं कि भी चलो टेस्ट करवा के देख लें, सिर्फ एक रैश आ रहा है उसको कोरोना वायरस समझ के बिल्कुल घबराना नहीं है, राइट? कई सारे ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसको हम कई बार कोरोना वायरस से एसोसिएट होगा, आगे चल के क्लियर हो जाएगा कि भी ये टेंशन नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल जैसे लॉस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट पहले अर्ली सिम्टम्स का रिपोर्ट किया गया है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हर एक को होगा, राइट? 20% केसेस में स्किन रैश देखा गया है। अगर आप नंबर्स की बात करेंगे वो एक नंबर है जो चेंज होता रहेगा अभी भी और आगे भी, सो वी डोंट नो रियली, राइट? इसको आप स्किन रैश बोल सकते हैं, हाइव्स बोल सकते हैं, या लेसी पैटर्न्स बोल सकते हैं, ये काफ़ी सारे स्किन रैशेज हैं जो पैर में कहीं भी हो सकते हैं। सो इफ़ यू डेवलप अ रैश डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप कई बार ऐसा भी होता है कि हम घर में क्वारंटीन है, एक ही जगह है, खुद का केयर नहीं कर रहे, नहा धो नहीं रहे, इस वजह से स्किन रैश हो जा रहे हैं, ये भी काफ़ी पॉसिबल है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? हर एक स्किन रैश कोरोना नहीं है, हर एक कोविड-19 का टोज हर एक वो नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? सो दैट इज देयर। सो हाँ, इतना जरूर है कि अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने आप के लिए घूमिए फिरिए, एक्टिव रहिए, बच्चों के साथ खेलिए, बहुत ज़रूरी है। इनएक्टिविटी, गलत लाइफस्टाइल और लैक ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, वो लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन और ज़्यादा बीमारियाँ पैदा करेगी, नो डाउट। घर में है, लॉकडाउन में है, डोंट डोंट वेस्ट टाइम, वर्क ऑन योर सेल्फ, योर वर्क, योर एथिक्स, वट एवर यू हैव, आपने खुद के ऊपर काम करें, राइट? याद रखिए माइल्ड क्लॉटिंग हर बीमारी में, लंग्स की, किडनी की, हार्ट की, इन सारी बीमारियों में देखी जाती है, सार्स सीओवी में देखी जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स गेटिंग अफेक्टेड, एंड बिकॉज दे ऑल्सो है, उनमें भी थोड़े से ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, और इसलिए वहां पर भी इन्फ्लामेशन हो सकता है, वहां पर भी स्वेलिंग हो सकती है, और वहां पर भी क्लॉटिंग एक्टिवेट हो सकती है, दैट्स नो डाउट। तो वहां पर भी ब्लड फ्लो कम हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो मेजर कंसर्न है। सेम वे इसीलिए हार्ट के जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, बाकी सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स में मेजर और माइनर सिम्टम्स समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच। और याद रखिए उसके अलावा भी कई सारे सिम्टम्स एसोसिएट किए गए हैं, जैसे चिल्स, सिर्फ ठंडी लग रही है, मसल पेन, हेडेक, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, शेकिंग, रिपीटेड शेकिंग विथ चिल्स, सोर थ्रोट, ये सब एसोसिएट किए गए हैं, लेकिन ये भी माइनर सिम्टम्स हैं, मेजर नहीं है। तो जब तक आपको मेजर नहीं है डोंट वरी, इवन इफ मेजर सिम्टम है और टेस्ट पॉजिटिव है,
तब भी कुछ करना नहीं है, ऑब्जर्व करना है कुछ दिन ऑब्जर्वर के बाद में। अगर आपको ज़्यादा 90-95% चांस है आप खुद ठीक हो जाओगे, माइनर ट्रीटमेंट से ठीक हो जाओगे, तो फिर डरने की क्या बात है। ठीक है, बस यह है, प्रिकॉशन रखिए, अपने से दूसरे को मत फैलाइए, देखते रहिए वीडियो, शेयर करते रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।